ओके गाइस, तो ये है ब्लॉपंक टैम्पा बे 980 का बॉक्स। जो वुडमन की वीडियो लास्ट टाइम मैंने डाली थी, काफी लोगों ने उसे पसंद किया। एंड ऑनेस्टली, अगर मैं बात करूँ हारमन के बाद, ये जो आफ्टर मार्केट सिस्टम है एंड्रॉयड सिस्टम, दिस इज दी सो फार बेस्ट एंड्रॉयड सिस्टम इन द मार्केट। उसका जो टच है और इसमें जो फीचर्स वगैरह मिलते हैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से, और इसमें वायरलेस एंड वायर्ड कार प्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो मिल जाता है, तो बहुत ही बढ़िया था और मेरा वो अभी तक फेवरेट है। ये वीडियो जब मैंने पोस्ट किया तो मेरे एक सब्सक्राइबर हैं अमित जी, उन्होंने वीडियो देखा, तो उन्होंने हाल ही में टेम्पा भी 980 ब्लॉपंक का लगाया। अब जब हम ब्लॉपंक की बात करते हैं, इससे पहले जो 970 की लार्गो था, बहुत लोग उससे परेशान हैं। मुझे पता नहीं कि ब्लॉपंक ने कैसे इसे लॉन्च कर दिया इतना ज़्यादा लैग के साथ। प्राइस पॉइंट भी काफ़ी ज़्यादा था, बहुत महंगा था और बहुत ज़्यादा लैगी था। जिन्होंने भी लिया, बहुत सारे लोग परेशान हैं। लेकिन जो भी हो, मुझे काफ़ी लोगों से सुनाई दे रहा था कि 980 जो है टेम्पा बे ब्लॉपंक का, परफॉर्मेंस उसकी अच्छी है। तो मैं ऐसे किसी बंदे को देख रहा था जिसके पास सिस्टम हो, हम कंपेयर कर पाएँ, वीडियो बना पाएँ, क्योंकि बहुत सारे लोग गाड़ी लेते हैं तो ज़रूर सिस्टम तो उसमें लगाते हैं। हर कोई टॉप मॉडल पे नहीं जाता, मोस्टली अगर आप देखोगे तो जो खरीदने वाली जनता है, या वो मिड मॉडल पे जाती है या फिर बेस मॉडल पे जाती है, मैक्सिमम वही गाड़ियाँ बिकती हैं। तो बहुत सारे लोग सिस्टम लगाते हैं, तो मैंने कहा कि अगर मिल जाता कोई तो लोगों के लिए यूज़फुल हो सकता था। तो अमित जी मिले, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो NCR में नहीं थे, ही वॉज आउट ऑफ NCR। तो लेकिन फिर भी उनका थैंक यू करना चाहूँगा, उन्होंने टाइम निकाला पूरा और वीडियो बनाई, कंप्लीट एंड टू एंड इन्फॉर्मेशन दी है उन्होंने, टच कैसा है, साउंड कैसा है, लैग है या नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। उसके अलावा जो बेसिक डिफरेंसेस हैं, प्राइस पॉइंट लगभग सेम है, 30,000 रुपये का आपको ब्लॉपंक का मिलता है, और जो आप वुडमन की बात कर रहे हैं जो मेरा फेवरेट है, वो सिस्टम आपको 30 का मिलता है, प्लस इसमें आप कैनवस लगाओगे तो 34-35,000 का पड़ता है। बट इन स्टार्ट विद वीडियो अगेन, आई वांट टू से थैंक यू टू अमित जी, रियली रियली अप्रिशिएट दैट। एक इनका एक अच्छा FM RDS ट्यूनर, आई थिंक ये काफ़ी अच्छा ट्यूनर है। रेडियो की क्वालिटी जो म्यूज़िक की थी काफ़ी इम्प्रूव हो गई है, बहुत अच्छा हुआ है वो। मतलब मैं बोलूँगा कि अगर जो ओवरऑल म्यूज़िक, अगर जो मेरे हिसाब से तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा है, 19-20 का ही फ़र्क होगा, लेकिन रेडियो के मामले में हनुमान 19 था तो ये 20 है फॉर श्योर। बस टाटा का कोई बंदा ये वीडियो देख रहा है तो मैं बोलूँगा भाई, आप अपनी एक्सेसरीज़ की जो आपकी जो प्राइस लिस्ट है, प्लीज़ मेक इट अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक, मेक इट ईजिली एक्सेसिबल, दैट वुड बी द राइट थिंग, सो दैट यू नो वी आर बिट मोर कॉन्फिडेंट इन बाइंग द स्टफ फ्रॉम द डीलर। जो ये टैम्पा बे 980 है, ये एक्सक्लूसिव आपको टाटा चैनल्स के थ्रू ही मिलेगा, और बॉक्स के ऊपर भी जो मैंने बॉक्स जो इसका लिया ब्लॉपंक का, जो उन्होंने मेरे को बॉक्स दिया था, उस बॉक्स पे एक लेबल लगा हुआ था जिसपे नेक्सॉन XM लिखा था। तो मेरे को जो सेल्स जो एक्सेसरीज के जो कॉन्टैक्ट थे, उन्होंने बताया कि इस पर्टिकुलर पीस को आप किसी और कार की में यूज़ नहीं कर सकते हैं, प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द कैनवस कुड बी। मेरे ओपिनियन में मैंने इसको क्यों लिया, यू नो एज यू वुड नो कि नेक्सॉन के लिए आपके पास पाइनियर या सोनी के उतने ऑप्शंस नहीं हैं बिकॉज ऑफ द फिटमेंट इश्यूज एंड बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ अदर लिमिटेशंस। तो प्राइमरली इसको लेने का रीज़न था कि मैं अपनी बाकी की फंक्शनैलिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, म्यूज़िक की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ ना करूँ, और एक अच्छी वारंटी रहे, एक चीज़ जो थोड़ी लॉन्ग लास्टिंग भी हो साथ में। तो वैसे एंड्रॉयड से बहुत ऑप्शंस मिल रहे थे, साथ में टाटा वालों का क्रॉस लिंक व्हील्स करके एक उनका खुद का एंड्रॉयड प्लेयर है, जो उन्होंने काफ़ी मेरे को अपसेल करने की कोशिश की बिकॉज ऑफ द ऑब्वियस रीजंस, तो वो मैंने नहीं लिया और आई वेंट विद द टैम्पा बे 980। ऑफकोर्स ब्रांड एक ट्रस्ट होता है। द गुड थिंग अबाउट दिस कि आपको ब्लॉपंक में ये जो वारंटी है, ऑनलाइन आप रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एज आई सेड कि बॉक्स इज मेड फॉर टाटा, तो आपको वारंटी का कार्ड उसके साथ आएगा, प्रोडक्ट डिटेल्स आएगी, बट जो आपकी जो इनवॉइस होगी वो आपको वारंटी के लिए यूज़ करनी होगी। ऑल ओवर इंडिया एनी टाटा शोरूम रिस्पेक्टिव ऑफ द डीलरशिप आप उस चीज़ को वारंटी को अवेल कर सकते हैं। राइट गाइस, सो हियर वी गो।
तो कीज़ इन द इग्निशन, ब्लॉक लोगो आ गया है, 3 सेकंड हो गए हैं, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Who ended up teaching her that. So Mary displayed her natural talent for back sculpting at a very young age. So between 1780 to 89, she had to serve as an art tutor. तो लगभग 20 सेकंड लगे बूट होने के कम्प्लीटली. ब्लॉपंक में डीएसपी आता होगा नहीं आता होगा मेरे को नहीं पता बाकी के मॉडल्स में, लेकिन मैंने जितना भी देखा ब्लॉपंक की जो इंडिया की वेबसाइट है उस पर मैंने जो थोड़ी बहुत रिसर्च की लेने से पहले, और बॉक्स के ऊपर जो इसके फीचर्स थे और जैसा बॉक्स का पीस था, वो बॉक्स पे डीएसपी इज समथिंग विच आई कुड नॉट फाइंड ऑन एनी अदर मॉडल. ओके गूगल, टेक मी टू इलेक्ट्रॉनिक सिटी. Navigating to Electronic City. तो आप इस फीचर को यूज कर सकते हैं. आपने देखा होगा इट्स प्रीटी गुड इन एक्चुअली ओपनिंग अप मैप्स. तो ये देखिए मैप का लोडिंग टाइम, आई थिंक ये सबका एक बहुत हेड साउथ नॉर्मल सा क्वेश्चन होगा कि कितना टाइम मैप लोड होने में. आपने ये देख लिया, दिस वॉज अ नेविगेशन बिट. तो यहाँ से हम लोग आगे निकल सकते हैं अगले फीचर के ऊपर, जो है अगेन वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फीचर इज़ द म्यूज़िक क्वालिटी. तो लेट्स डू दैट. तो आप अगर जो इसको यहाँ पे सही से होल्ड करेंगे देखेंगे, स्प्लिट स्क्रीन इनेबल हो जाती है, और फिर एक तरफ से ड्रैग करके इसको स्प्लिट स्क्रीन में से छोड़ दीजिए. स्प्लिट स्क्रीन हो गया आपका, दूसरे साइड में मेरी कोई भी ऐप ओपन नहीं है. तो एंड पिक्चर इन पिक्चर ऑप्शन भी रहता है यहाँ पे, तो यू कैन यूज दैट एज वेल. लेट मी जस्ट किल दीज थिंग्स नाउ. एप्स चल रही हैं. So these buttons are also active, you can see moving the volume. मैं भी म्यूजिक पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहता था, और जब मैंने इसमें DSP का फीचर देखा जो कि एडवर्टाइज्ड है, तो मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिला ब्लॉपंक को लेने के लिए. ऑडिट बाकी ये है जनरल पार्किंग, जो भी आपकी गाड़ी के जो फीचर्स रहेंगे इनेबल. तो देखिए ब्राइटनेस 100 पे है, रेडियो रीजन इंडिया सिलेक्टेड है, डिफ़ॉल्ट सेटिंग पे डिफ़ॉल्ट वॉल्यूम 40 का है, इंटरकॉम फोन लिंक है. मैंने यहाँ पे गूगल असिस्टेंट को लॉन्च ऐड किया था, बट अगेन गूगल असिस्टेंट वर्क्स, बट वो आपका डिफ़ॉल्ट वॉइस असिस्टेंट एज अ वॉइस असिस्टेंट सेव नहीं होता है. तो मैंने ब्लॉपंक को कॉल किया, तो उन्होंने बोला सर आपको हर बार वो सेव करना पड़ेगा अगर जो आप उसको यूज़ करना चाहते हैं. रीज़न इज़ कि इट इज़ ऑफिशियली नॉट सपोर्टेड. ये देखिए स्लीप मोड में कितना जल्दी वेकअप भी होता है. वेकअप हो गया, डालते ही ऑन हो गया कि ठीक है. तो आप कहीं पे उतर रहे हैं, टेकिंग अ शॉर्ट ब्रेक लाइक गाड़ी से, या फिर गाड़ी को बंद किया है, तो आपको पूरा ये दोबारा रीबूट नहीं होगा. आप ये पावर बटन यूज़ करोगे तो ये बस स्क्रीन ऑफ हो गई है, तो उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा. स्क्रीन ऑफ हो गई, अभी कहीं पे भी क्लिक किया तो वापस से ऑन हो जाएगी. और ये थोड़ा हीट होगा गाइस, थोड़ा बहुत हीट होगा ये, और इसका एक ये मैंने पूछा तो उन्होंने बोला कि ये तो नॉर्मल है हेड यूनिट्स में, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हीट नहीं होता है, जैसे काम करना चाहिए वैसे करेगा. तो सॉरी गाइस मैं बार बार क्लिक कर रहा हूँ, बिकॉज मेरे लिए भी ये थोड़ा नया ही है, अभी मैंने इसको 2 हफ्ते पहले ही लगवाया है. तो मान लीजिए कंसिडरिंग कि लाइक ऑल कार्स हैव 4 स्पीकर्स, तो आप यहाँ से आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो फ्रंट लेफ्ट फ्रंट राइट
रियर सीट। आउटपुट तो आपको शायद अब कोई वर्डिक्ट की बात करेगा। मैं यहाँ पे हूँ, मैंने हरमान यूज़ किया एक साल, इसके पहले मेरी थी टियागो 8 थे। तो अगर जो मैं उससे कंपेयर करूँगा तो उसमें तो लगता था कि कोई भी आपके बिल्कुल, अगर जो आप किसी भी अच्छे आर्टिस्ट का गाना सुन रहे तो कभी कभी ऐसा लगता था डिपेंडिंग ऑन द कंपोजिशन कि वो आपके बिल्कुल कान में गा रहा है बंदा आके। तो दिस इज़ समथिंग यू मे नॉट फील यू नो टू मच ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन हरमान एंड ब्लॉपंक, दिस इज़ एन ऑनेस्ट ओपिनियन। और एक सबसे बड़ा प्लस क्या हुआ था कि मैं कभी भी रेडियो पे गाने नहीं सुनता था गाइस, तो कभी भी मैं रेडियो से हमेशा दूर रहता था। मैंने ये बात विनोद भाई को भी बताई थी, और जब मैंने ये इंस्टॉल करवाया और मैं बाहर निकला, रेडियो प्ले हुआ बाय डिफॉल्ट एंड इट वाज रियली कूल। द रेडियो जो इनका जो ये लोग मार्केट करते हैं ब्लॉपंक अपने हैं, जो इनका FM का जो स्कैनर है, इट इज़ रियली गुड। एंड प्लस आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर जो मैं आपको ऊपर दिखाऊँ, यहाँ पे कोई एंटेना का केबल नहीं है। जो गाड़ी में एंटेना आता है, ये डैश कैम लगा हुआ है, और जो गाड़ी में ओरिजिनल एंटेना आता है वही यूज़ हो रहा है। ये मेरी USB है, अगर जो मैं दिखाऊँ, ओरिजिनल USB काम कर रही है यहाँ पे लगी हुई, और इसको मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए, या फिर एक और फीचर है इसमें आपको मैं बताता हूँ, दो इन्होंने USBs अंदर दी हुई हैं यहाँ पे, तो वही स्टैंडर्ड है गाइस। लेकिन गुड थिंग इज ये जो माइक है ऊपर, ये भी काम कर रहा है, नो सेपरेट माइक फॉर दिस, और वो बहुत अच्छा है। गाड़ी के ओरिजिनल सेंसर्स काम कर रहे हैं, और मैं इसको कर देता हूँ बंद अभी। एंड इफ़ यू ट्रैवल लॉट, व्हाट यू कैन डू इज यू कैन आई थिंक जस्ट अटैच वन ऑफ दी जियो और एयरटेल डोंगल्स और वट एवर द सर्विस प्रोवाइडर डोंगल यू वॉन्ट, जस्ट अटैच इट इफ यू ट्रैवल अलॉट, राइट? इफ यू आर समवन हू ट्रैवल अलॉट एंड डोंट to drain the battery of your phone, you can just keep that by one dedicated SIM, connect it, hotspot bana ke aap continuously usi ko use karo. To ye hai iska back camera, kuch aisa dikhta hai. To ye steering adaptable nahi hai, ye jo fixed grid lines hai basically jo aap dekh rahe ho wahan pe, this is a quality about 4 o'clock in the evening. आपको मैं एक टिप देना चाहूँगा गाइज, इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि कैमरे का पोजीशन किधर हो। तो आपको भी मैं बोलूँगा कि आप जब भी कुछ कोई भी एंड्रॉयड प्लेयर खरीदें तो आप अपना डिसाइड कर लें किधर है, और बिफोर यू डू द डील विद द डीलर, चाहे आप टाटा के पास जा रहे हो, कहीं पे भी अगर जो आपको वहाँ कैमरा लगवाना है, तो पहले बोल लीजिए और उनको ये कंडीशन डाल के दीजिए, मेरे को यहाँ कैमरा डालेंगे, क्योंकि एज यूजुअल मैंने सुना है कि थोड़ा सा TDS काम है वहाँ पे कैमरा डालना या लगा। भी हम लोग टैम्पा 980 में कॉल टेस्ट करेंगे। हाँ, ब्लूटूथ से मेरे फ़ोन से ऑलरेडी कनेक्टेड है, और मैं अब ये नंबर डायल करने जा रहा हूँ। लेट्स सी कैसी कॉल क्वालिटी रहती। हेलो विनोद, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। आर यू ड्राइविंग बाय एनी चांस? Okay, I'm calling from the car using the speaker, the mic. तो आपको कॉल क्वालिटी कैसी लग रही है? Okay, all right. बस that's all I wanted to confirm. तो I thought let me, आपने कॉल टेस्ट करने के लिए बोला था तो मैंने बोला कि चलो आपसे ही बात कर लेते हैं, you'll have a better idea. Guys, we are doing another call test. Hello, bhai, I'm doing a call test. So you're on a speaker phone. Okay. और मैं टैंपा बे का एक वीडियो बना रहा था, टैंपा बे 980 का, तो मैंने सोचा तेरे से कॉल टेस्ट करता हूँ। तो आवाज कैसी है? आवाज तो ठीक ही है। अच्छा अच्छा, और बाकी कोई डिस्टॉर्शन फील हो रहा है तेरे को, कुछ भी ऐसा? नहीं, सब नॉर्मल है। Yeah, this is pretty much about this, and
Hope you are having a good time, and happy new year to everyone. ठीक है, चलिए फिर कुछ नया होगा तो उसके लिए दूसरी वीडियो बनाएंगे. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हैव अ गुड डे. बाय.